जैसे जो फीलिंग रहता है, जैसे साइंस का 30 क्वेश्चन रहता था तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा था, योजना भी डिटेल में दिए हुए था, या फिर जैसे मान लीजिए कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन था और स्टेटमेंट वाइज मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। इसमें आपको डेफिनेटली नहीं कह सकता है जो हमारा इतना एक्यूरेसी है जो सही होगा ही। पूरा मतलब एक अलग टाइप का पेपर था, यूपीएससी के तर्ज पर कह सकते हैं इसको, प्योरली 99% यूपीएससी के तर्ज पर है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार जो क्वेश्चन था वो हर बार से अलग था, थोड़ा डेप्थ में पूछा है तो अच्छा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो जो क्वालिटी स्टूडेंट रहेंगे वहीं आएंगे तो विभाग में भी अच्छा होगा। एग्ज़ाम तो ठीक ही गया, बट क्वेश्चन जो करंट अफेयर था वो काफ़ी हार्ड था। तो यहाँ हम कुछ और विद्यार्थियों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत हार्ड था, ठीक ठाक, बहुत बढ़िया था। बढ़िया था जी, कैसा एग्जाम? ठीक ही था, मॉडरेट था, लगभग नहीं, टफ भी नहीं कह सकते और इजी भी नहीं कह सकते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। इस समय हम मौजूद है राजकृत मनमोहन उच्च विद्यालय रामपट्टी में, जहां पर कि बीपीएससी का परीक्षा लिया जा रहा था और यहां पर अब जो है टाइम पूरा हो चुका है। छात्र आप देख सकते हैं इस समय परीक्षा दे के बाहर आ रहे हैं। हम छात्रों से भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का एग्जाम था और कैसा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार चौधरी। फर्स्ट क्लास। अच्छा, किस तरह का क्वेश्चन था? क्वेश्चन इस बार यूपीएससी पैटर्न से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड हुआ है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा पूछा गया है इसमें और टाइम टेकिंग थोड़ा ज़्यादा था। तो लोग ऐसे एक इटरेशन जो है वो कंप्लीट कर लेते थे लगभग 1 आवर में उस क्वेश्चन को जो प्रीवियस ईयर से पूछा जा रहा था। इस बार कम से कम लगभग 1.5 घंटा लग जा रहा आराम से 1 इटरेशन कंप्लीट करने में, और उसके बाद बबलिंग करते करते मतलब टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो गया क्वेश्चन, और टफनेस लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। कट ऑफ पिछले बार 91 गया था, तो इस बार चांसेस बहुत कम है जाने का। थैंक यू। तो हम इस समय मौजूद है रामपट्टी मनमोहन उच्च विद्यालय के प्रांगण में, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी का एग्जाम था और बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं। हम कुछ बच्चों से भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे किस तरह का एग्जाम था और कैसा क्वेश्चन पेपर आया। क्या नाम है आपका? किस तरह का क्वेश्चन पेपर? ठीक था। क्या कैसा क्वेश्चन पेपर था, किस तरह का? सही था पिछले। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सही था। इस बार जो क्वेश्चन था वो हर बार से अलग था, थोड़ा डेप्थ में पूछा है तो अच्छा है, इम्प्रूव हो रहा है। तो जो क्वालिटी स्टूडेंट रहेंगे वहीं आएंगे तो विभाग में भी अच्छा होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश कुमार। किस तरह का एग्जाम? एग्ज़ाम तो ठीक ही गया, बट क्वेश्चन जो करंट अफेयर था वो काफ़ी हार्ड था। हार्ड था? हाँ। तो यहाँ पर स्टूडेंट की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, जहाँ पर कहीं लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, वहीं पर कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था। हम सभी तरह के विद्यार्थियों से और भी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे और जानना चाहेंगे किस तरह की परीक्षा हुई और कैसे क्या हुआ, अंदर किस तरह का माहौल था, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? कैसा एग्जाम हुआ? बहुत अच्छा रहा, लेकिन क्वेश्चन बहुत हार्ड था। बहुत हार्ड जो हमने पढ़ा था उस टाइप का आया नहीं है। फिर भी क्या उम्मीद करते हैं? अब देखते हैं। तो विद्यार्थियों की अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। कहीं पर विद्यार्थी जहाँ पर बोल रहे हैं कि क्वेश्चन काफ़ी हार्ड था, वहीं पर कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था और इसके अनुरूप जो है कहीं ना कहीं अच्छी गुणवत्ता शिक्षा में देखने को मिल सकती है। हमारे साथ कुछ मौजूद है, किस तरह का एग्ज़ाम था, कैसा हुआ? पेपर टफ है, पेपर मतलब जैसा मतलब था वैसा नहीं रहा। ज़्यादातर बच्चों का कहना था कि क्वेश्चन पेपर टफ था, क्या कहना चाहिए? जैसे जो फीलिंग रहता है, जैसे साइंस का 30 क्वेश्चन रहता था तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा था, योजना भी डिटेल में दिए हुए था, या फिर जैसे मान लीजिए कंप्यूटर बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन था और स्टेटमेंट वाइज मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था। इसमें आपको डेफिनेटली नहीं कह सकता है जो हमारा इतना एक्यूरेसी है जो सही होगा ही। पूरा मतलब एक अलग टाइप का पेपर था, यूपीएससी के तर्ज पर कह सकते हैं इसको, प्योरली 99% यूपीएससी के तर्ज पर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का अगर क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी एक भी क्वेश्चन अलग नहीं है जो पुराने पैटर्न पर है। बाद बाकी हर सब्जेक्ट का एक नया पैटर्न है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो पिछले के समय के अनुकूल जो बीपीएससी का जिस बार जो एग्ज़ाम हुई है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एक जो टब भी नहीं कह सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आया है वो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है और कहीं बाहरी से नहीं क्वेश्चन आया हुआ है। वो होता है कि जो बीपीएससी में कोई जहाँ से अलग तरीका से क्वेश्चन आ गया जो समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। इस बार बीपीएससी ने बहुत अच्छा पेपर बनाया था, हर सब्जेक्ट से, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, करंट हुआ,
हर जगह से उसने प्रश्न उठा रखे थे, और जो भी इस बार का पैटर्न है उससे ये दिखता है कि बीपीएससी ने अपने पेपर में काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है और उसको और बेहतर बनाकर छात्रों के सामने रखा। तो मित्रों, इस तरह की जानकारी हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। आज हम मौजूद थे, आप देख सकते हैं, राजकीय मनमोहन उच्च विद्यालय रामपट्टी में, जहां पर कि बीपीएससी का परीक्षा लिया गया। आज शनिवार का दिन था, हम इस तरह की जानकारी लगातार आपको दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दिखाई गई जानकारी पसंद आएगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यदि आप फेसबुक पे है तो आप फेसबुक पर भी पेज को फॉलो करेंगे। इस तरह की जानकारी के लिए लगातार आप देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।